तो वही जबलपुर में आज रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है। कॉन्क्लेव में देश विदेश के उद्यमी जुटेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे। 5 सेक्टर्स पर ये फोकस रहेगा, जिसमें एग्रो, माइंस, डिफेंस, टूरिज्म, गारमेंट्स क्लस्टर पर चर्चा होगी। और कॉन्क्लेव के लिए करीब 3,500 इन्वेस्टर्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है और ये सभी आज इस कॉन्क्लेव में पहुंचेंगे। जब जबलपुर में संस्कारधारी में एक बड़ा आयोजन होगा, जिसमें उद्यमियों के जुटने की जानकारी मिल रही है और प्रदेश में इन्वेस्टमेंट और प्रदेश की उद्यमशीलता को मजबूत करने का ये एक बड़ा माध्यम साबित हो सकता है। और 5 सेक्टर्स पर विशेष फोकस रहेगा, जिसमें एग्रो यानी खेती और खनन और सुरक्षा, पर्यटन और कपड़ा उद्योग के विषयों पर चर्चा होगी, जिसमें करीब 3,500 इन्वेस्टर्स वहां मौजूद होंगे। तो रोजगार के नए आयाम यहां पर खुलते नजर आ सकते हैं और खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने, शुभारंभ करने पहुंचेंगे। और 20 जुलाई को जबलपुर में होने वाले इन्वेस्टर्स समिट को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि औद्योगिक विकास दर में मध्य प्रदेश को देश में नंबर 1 बनाना है। सीएम ने कहा है कि निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार नए कदम उठा रही है। और सीएम ने उज्जैन में रीजनल इन्वेस्टर समिट का भी जिक्र किया और कहा कि यहां अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। उद्योग को बढ़ावा देने की दृष्टि से एक के बाद एक हम नए कदम उठाने जा रहे हैं। बीते समय उज्जैन में 1-2 मार्च को इन्वेस्टर की मीट की थी, जिसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। लगभग 75,000 करोड़ से ज़्यादा बढ़कर के कई सारे प्रस्ताव आए और इसी प्रकार से कल 20 जुलाई को इन्वेस्टर समिट करने वाले हैं, जिसमें देश भर के अलग अलग निवेशक, औद्योगिक घराने, हमारे प्रदेश के अंदर के उद्योग व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने वाले अलग अलग क्षेत्र के बड़ी संख्या में नए प्रस्ताव आने की संभावना है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि मध्यप्रदेश के संसाधन के बलबूते पर खास करके कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, हेल्थ, इंडस्ट्री की तीनों प्रकार है, लघु उद्योग, हेवी उद्योग या मध्यम श्रेणी से नीचे वाले कुटीर उद्योग, सभी प्रकार के उद्योगों से जुड़ करके ही प्रदेश की प्रगति की जा सकती है। इसी थीम पर लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। मैं कल की होने वाली इस इन्वेस्टर समिट का स्वागत भी करता हूँ और प्रशासन को बधाई देता हूँ जो इस पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। कुल मिलाकर के मध्यप्रदेश को औद्योगिक विकास दर में नंबर 1 पे प्रदेश को देश में पहुंचाना है, हम इस पे काम कर रहे हैं। और बात करेंगे हमारे सहयोगी वासु चौरे, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वासु, जबलपुर संस्कारधानी में सभी जुटने वाले हैं और आज एक बड़ा दिन रहेगा प्रदेश के इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी देखें, रोजगार के लिहाज से भी देखें। तो निश्चित तौर पर देखिए आशीष, आज महाकौशल के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि लंबे समय से इस पूरे क्षेत्र को कहीं ना कहीं ज़रूरत थी कि यहाँ पे बड़े इंडस्ट्रीज लगे, बड़े उद्योग यहाँ पे डेवलप हो, ताकि यहाँ के जो युवा हैं उनको रोज़गार मिल सके, यहाँ के लोगों को पलायन ना करना पड़े, दूसरे बड़े शहरों का रुख ना करना पड़े। तो आज का जो दिन है वो इस पूरी मांग को लेकर, इस पूरी ज़रूरत को लेकर, इस आवश्यकता को लेकर एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, क्योंकि संस्कारधानी में जबलपुर में रीजनल इन्वेस्टर कॉन्क्लेव का जो आयोजन है वो हो रहा है। डॉक्टर मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद यहां पर आएंगे और इसके अलावा देश विदेश के 3,500 से ज्यादा जो उद्योगपति हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो आज जबलपुर पहुंचने वाले हैं। और यहां पर खासतौर पर जिन 5 बड़े सेक्टर्स को चिन्हित किया गया है जिनमें अच्छा खासा निवेश आने की संभावना है, उसमें डिफेंस है, टूरिज्म है, एग्रीकल्चर है, मिनरल्स है, माइनिंग्स है, तो ये तमाम सारे जो वो सेक्टर्स हैं अलग अलग जो फोकस में आज दिन भर रहने वाले हैं। क्योंकि अगर जबलपुर की बात करें या महाकौशल इलाके की बात करें तो नर्मदा वैली के किनारे ये पूरा क्षेत्र जो है वो बसा हुआ है। नर्मदा जी के होते हुए यहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं है, पानी की समस्या नहीं है, एयर कनेक्टिविटी यहाँ पर है क्योंकि जबलपुर में डुमना एयरपोर्ट है। इसके अलावा आसपास रीवा और अन्य शहरों में भी जो हवाई पट्टियाँ हैं वो लगातार डेवलप हो रही हैं। ट्रेन की बहुत अच्छी यहाँ पर कनेक्टिविटी है क्योंकि जबलपुर खुद एक बड़ा जंक्शन है और जबलपुर के बाद अगर आप रीवा जाते हैं, सिंगोली जाते हैं या फिर विंध्य का इलाका भी यहाँ से लगा हुआ है तो वो भी कहीं ना कहीं यहाँ से कवर अप होता है। तो रेल कनेक्टिविटी देखें तो वो भी बहुत शानदार है और अगर आप रोड कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो वो भी यहाँ पे बहुत बेहतर है। चारों तरफ से जो 4 लाइन्स हैं, जो स्वर्णिम चतुर्भुज प्रोजेक्ट रहा है और अन्य बड़े
बड़े प्रोजेक्ट रहे हैं रोड डेवलपमेंट के, उनके तहत यहाँ पे काम हुआ है। तो इंडस्ट्रीज के लिहाज से बहुत ही मुफीद ये पूरा इलाका है, और यहाँ पर अगर इंडस्ट्री लगेगी तो निश्चित तौर पर यहाँ के किसानों को भी सीधा इसका लाभ मिलेगा, यहाँ के युवाओं का सीधा लाभ मिलेगा, यहाँ पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इंडस्ट्री कॉन्क्लेव इसमें सोने पर सुहागा का काम करेगा और यहाँ के लोगों के लिए रोजगार के, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बनेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।